कॉल का पैर डाला उसके मुंह में फाड़ गया। इस गरीब को अफ्तारी करवाते रहे, ठीक है करवा दूं, मस्जिद के साथ करके आ जाओ आप, तो पढ़ भी लिया करना। पार्टर अपनी पार्क की हुई या पीछे ही, और ना पंगे ले, पहली तो मैं पकड़िया चाहती आपको बताता हूँ। इसकी शक्ल है इसको सपोर्ट करने वाली, इसको अनसब्सक्राइब यार, ये गलत, इसको अनलाइक करो। मैं कहना इंडा इंडा पूरी तोड़ दो, भाई भट्ट साहब ने लेने थे कपड़े, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, खुश आमदीद मेरे इस नए व्लॉग में। आज ही हम जा रहे हैं अपने मामू के घर, वहाँ हमारी अफ्तारी है, और दूसरा जी अफ्तारी के बाद हमने जाना है शॉपिंग पे क्रीम मार्केट। साथ मेरे दो कज़न है, एक मामू का बेटा रेहान और दूसरा जी आंटी का बेटा बिलाल, उसने भी कपड़े लेने हैं। वैसे मैंने ईद की शलवार कमीज़ ली हुई है, पर ना एक पेंट शर्ट लेनी थी मैंने, मेरा जहन भर रहा है एक ले लूँ, और दूसरा बिलाल है उसने भी ना एक पेंट शर्ट लेनी है, तो मेरे साथ बने रहे। अगर आप अभी तक मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल नहीं हुए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सके। तो चलने चलते हैं, मैं आपका वक्त जाया नहीं करता। कपड़े वगैरह जी हमने चेंज कर लिए हैं, मेरी रानो और स्पाटर दोनों ही गंदे हुए पड़े थे, अफजाल ने जी इन्हें चमकाया, नहाया नहाया करवाई, उसके बाद जी इनका पानी वगैरह चेक किया। हो सकता है जी हमारा आखिरी रोजा हो, आखिरी अफतारी हो, तो अल्लाह ताला जी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तमाम रोजे जो हमने रखे हैं वो कबूल फरमाए, जो अगले साल आने हैं रोजे वो हमारे नसीबों में करे। तो रस्ते में जी मेरी रानो को लगी भूख, मैं हर बार की तरह आया पीएसओ होटल, और पीएसओ होटल आके जी मैंने अपनी रानो को नाश्ता करवाया अच्छा खासा, फिर जी जो इनका जुर्माना बनता था वो मैंने इन्हें अदा किया और निकल पड़ा अपनी मंजिल की तरफ। हमारे मामू के घर पहुंचते पहुंचते जी अफतारी का टाइम हो गया, तो माशाल्लाह जी बहुत कुछ बनाया हुआ था, बहुत ही मजे का थी सारा कुछ था, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, आज का रोजा बहुत ही अच्छा गुजरा था। फिर मैंने अपने कजन रियान के साथ बैठ के अफतारी की, पहले जी मैंने दो किस्म का थोड़ा सा फ्रूट चाट टेस्ट किया, उसके बाद जी मैंने फास्ट फूड थोड़ा सा खाया, फिर जी हम चले गए नमाज पढ़ने के लिए। हम जी आ गए अपने मामू के घर, जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ हमने आना था, एक तो ईद देने और दूसरा अफतारी थी यहाँ हमारी, तो हम आ गए हैं। अब मेरे कजन से मिले बर्गर बॉय रिहान, चलो शुक्र है इसने मान लिया, नहीं तो ये इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने डिलीट कर दिया, उसमें ये नहीं मान रहा था। अच्छा तो अब बताओ यार, इसने अफतारी करवाई है, शुक्रिया यार, थैंक यू तेरा, मैं करवाता हूं तुम गरीबों को। सर रुको जरा, सबर करो। सही है, तो इसने जी अफतारी करा ली है, बड़ी मेहरबानी। अब मैं ना कल भी आऊंगा, परसों भी, जब तक रोजे है ना, तूने इस गरीब को अफतारी करवाते रहे, ठीक है करवा दूं, मस्जिद के साथ करके आ जाओ आप, तो पढ़ भी लिया करना। तो अभी हमने कर लिया जी अफतारी, तो नमाज वगैरह हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नमाज पढ़ के इसने जी हमें लेके जाना है घुमाने, तो भाई घुमाएगा तो बता दे फिर, मैं आगे कह दूं कि ये मुझे घुमाने लेके जाएगा भाई। भाई तू हले निकल कारोबार, तू हले कारोबार निकल, गजब बेइज्जती है। अब सीरियस बता मुझे, तू कहाँ लेके जाएगा घुमाने, ताकि यार मैं बात सुन, चम्मा आइसक्रीम ले जाऊंगा, खर्चा तेरा। कसीर है। ये क्या बात हुई, मेहमान मैं तेरे घर आया, तू मेरे पास थोड़ी है, बात नहीं होती, तू मेरे घर आया, मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है, अब तू मुझे बाहर तूने लेके जाने, चल सही है, पैसों की परेशानी ना, वो दो मिनट वहाँ कहीं स्टॉप पे खड़े हो जाएंगे, पैसा ही पैसा तेरे भाई, समझ रहे हो, पैसा ही पैसा, डालने ही डालने, बस सही है। तो डन हो गया जी, हम जा रहे हैं चमन, चमन आइसक्रीम जा रहे हैं हमारे साथ, जुड़े हैं, चलाते साले, एक मिनट उन्हें बता, हमारा ना एक कजन भी आ रहा है मेहर बिलाल, पक्का नहीं है उसका, पर वो आ जाएगा, तो उसे भी मैं आपको मिलाता हूँ उसके साथ भी, तो मेरे साथ बने रहे, अभी चलते हैं चमन आइसक्रीम क्रीम मार्केट खाने के लिए। मैंने जी आपको जैसा बताया था कि मैंने अपने कजन को फोन किया है, बिलाल आ गया जी हमारे साथ, वो जो भी खिलाएगा बिस्मिल्ला, तो चलते हैं जी, उसने तो खिलाना ये तो है वैसे, तो पर मैंने कोशिश की हुई है कि यार वो खिलाए, तो चलते हैं जी, आने वाला वो भी, फिर चलते हैं क्रीम मार्केट। हम जी आ गए हैं भाईजान, इससे यही तवक्को की जा सकती है कि हमें गोलगप्पे खिलाएगा, वो भी ये नहीं खिला रहा, बिलाल खिला रहा है। तो अभी जी बिलाल भाई, ट्रेलर है, ट्रेलर अच्छा हो तो मूवी बिकती है ना, वो ट्रेलर ही नहीं अच्छा है तो मूवी कैसे बिकनी है, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जी हम गोलगप्पे खाने लगे, बाकी नेक्स्ट बारी इसकी है, ये हमें अब पता नहीं क्या खिलाता है, पहले कैमरा बंद कर दे, पहले कैमरा बंद कर दे, चलो ये खाते हैं फिर जी। इंडिया में ऐसे कहते हैं ना, बड़ा पाव बर्गर को कहते हैं, कैसे कहते हैं, बंद के अंदर टिक्की लगा के वो बड़ा पाव को कहते हैं, मजे क्या, पर इसमें ना मसाला उन्होंने बड़ा तेज डाला हुआ है, ये चेक करो जी, रेहान ने मुंह में गोल डब्बा गोल का पैर डाला, उसके मुंह में फाट गया। गोलगप्पे जी भाईजान डन हो गया, हमने खा लिए हैं, कुछ कहना चाहते हो, और ये यार हमने स्पार्टर अपनी पार्क की हुई है पीछे ही, और ना पंगे ले, पहले तो मैं पकड़िया चाहती हूँ।
के फजल व करम के साथ रियान को अल्लाह ताला ने दी तौफीक, और ये जी हमें कोल्ड कॉफी पिलाने जा रहा है। अब ये बन रही है वो भी स्पेशल वाली जो कि 50 रुपए जो कि 50 रुपए महंगी थी, और वो फिर भी इसने ना कड़वा घूंट पड़ के ना हमें भाईजान 3 इसने ऑर्डर दे दी है, तो आपस तैयार हो रही है, हम लेके चलते हैं गाड़ी के पास। क्या वजह बंद क्यों नहीं रही? नहीं नहीं बस इसके पैसों की है ना, इस वजह बिलाल के पैसों की, मेरे पैसे थे ना गोलगप्पे खा के जल्दी फ्री हो गए। इसके पैसे अच्छा, ये सिर्फ गोला तो सुना होगा, ये गोला गंडा क्या होता है? कंट्रोल ये तो बताओ रियान, तुम बताओ तुम्हें इन चीजों का ज्यादा। ये जी हमारी चेक करें, तैयार हो गई है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त लग रही है। चाचू जी भाई जबरदस्त, आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, यार मुझे जो 200-300 बंदे देखते हो अगर वो क्रीम मार्केट आए तो इन भाई के पास आना, बड़ी खूबसूरत लग रही है, अभी टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ। ओके तैयार हो गई है माशाल्लाह, और इसे अभी भी यार इसे मेरे ख्याल से कोई फिक्र नहीं है खाने पीने की, बस स्टीक की होती है, कोई भी चीज रख दो इसके सामने, वो भैंस का गोबर भी रख दो, इसने कह रहा मैं पहले स्टीक बना लूं, मैं फिर भाई जान ये चेक करें कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई जान पैसे भी देने हैं, पहले पैसे दो ना, हम चलें गाड़ी के पास, यहाँ स्टार्ट हो गई हूँ, मेरे ख्याल से भूल गए पैसों का। हमने जी मेरे ख्याल से ये मुझे या मजे का लग रहा है या फिर ये रियान के पैसों का, इसलिए यार ये बहुत ही मजे का लग रहा है, वाकई टेस्टी है, वाकई ना टेस्ट भी है, बड़ा जबरदस्त बनाया भाई ने। अब ये बिलाल ने लेने हैं कुछ कपड़े, लेने हैं इसने शॉपिंग करनी है, तो हम जा करनी है, हाँ बस इसने पेंट शर्ट लेनी है ईद के लिए, तो हम जा रहे हैं मार्केट चलते हैं, वहां से जी इसे लेके देते हैं पेंट शर्ट, तो आप मेरे साथ बने रहे। रश चेक करें आप, काफी दफा हम आए हैं, अभी कुछ देर पहले भी आए थे, पर इतना रश ना पहले नहीं था, ऊपर से गाड़ी भी मुझे दे दी है, गाड़ी भी मैंने बिलाल को चलाने को दे दी है, तो भाई जान आगे खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करता है, बंदे खैर नहीं करते। तो अब जी हम वापस जा रहे हैं, इसमें यार कुछ कपड़े लेने, अभी मूड बन रहा है लेने का, पर रश देख के ना हमारा दिमाग खराब हो रहा है। अब ये देखे हमारा बहुत ही अच्छा कजन है, बहुत ही प्यारा है, अब हमें लग रहा है जैसे कि हमें चमन आइसक्रीम खिलाएगा, एटीट्यूड सी लग रहा है, पैसा बड़ा है, आईफोन रखा हुआ है, आईफोन नहीं, ये पजामा वो देखे स्टारलेट के शूज पहने हुए भाई, ये चले है ना, कितनी महंगी पहनी हुई है यार। भाई भट्ट साहब ने लेने थे कपड़े, सॉरी नहीं सॉरी, तो यार हम आए हैं चमन, हमारे कजन भाईजान, वो तो ये कह रहा है कि मैंने वो जो ये कह रहा है कि मैंने जो ये ना ये बिलाल कह रहा है कि मैंने भी आपको वो मतलब पिलाई है, तो वो इसने अपनी मोहब्बत से पिलाई, हमने इसे कहा नहीं था इसने, अब हमने सोचा था भाई चमन बात हुई थी चमन आइसक्रीम की, तो इसने जी चमन आइसक्रीम ना हमें नहीं खिलाई, तो बाकी कपड़ों का जो मैं आपको बता रहा था कोल्ड कॉफी पिलाई कि नहीं पिलाई, हलाल दे पैसे दी तुसी, आराम दे पैसे करा दो, ये अच्छा है तो ना बात सुन, इसने लेने थे कपड़े जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं कपड़ों के पैसे लेकिन फिर भी मैंने खिला दिया, इसने खिला दिया पैसे कपड़ों के लेके आया था, वो भी मसला नहीं है, कपड़े बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन दिल होना चाहिए खिलाने, दिल होना चाहिए, इस बंदे का दिल बहुत है, उसका भी दिल है पर उसका नीचे है। इसने कपड़े लेने थे पर वजह सिर्फ एक ही बनी, रश बहुत है यार ईद की वजह से ना, एक तो गाड़ी हमें मिल ही नहीं रही थी, जगह की जगह ही नहीं है, हमें ये डर है कहीं हम लगा जाए तो पुलिस वाले हमारी उठा के ले जाए। तो बाकी जी ब्लॉग हमारा हो गया कंप्लीट, अब करते हैं अलविदा, तो आज मैं नहीं करूंगा, आज मेरा कजन करेगा रियान, आपको अलविदा रियान, यार ब्लॉग हो गया, तो भाईजान इन्हें कहो एंड अलविदा करो, और बाकी जो स्पोर्ट वगैरह यार मेरी बात इसकी शक्ल है इसको स्पोर्ट करने वाली, इसको अनसब्सक्राइब यार ये गलत, इसको अनलाइक करो, मैं कहता हूं इंडा चुबे अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट प्रेस कीजिएगा, इसी तरह के मनहूस शक्लें मैं आपको दिखाता रहूं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।